नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सोबिया रिंद जी की, और सोबिया रिंद जी के बारे में काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पता भी होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सोबिया रिंद जी जो हैं वो सादिया रिंद जी की बहन है। सादिया रिंद जी कौन? सादिया रिंद जी एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी ब्लॉगर हैं। मेनली पहले ये स्टडीज़ के लिए कोरिया गई थी और वहाँ से ये अपने ब्लॉग वीडियोज़ कोरिया के ब्लॉग वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती थी। एंड देन उनका ब्लॉगिंग चैनल काफ़ी फेमस हो गया था। एंड देन उसके बाद ये बांग्लादेश आ गई। सादिया रिंद जी की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। एंड इनकी एक सिस्टर हैं सोबिया रिंद जी, उनका भी एक पर्सनल ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है, उन्हीं के नेम से है सोबिया रिंद करके, उनके नेम से उनका पर्सनल व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है। तो उसी की आज हम बात कर रहे हैं, उनके व्लॉगिंग चैनल की सोबिया रिंद करके। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इन तरह की वीडियोस में, इन टाइप की वीडियोस में जो हम लोग आज बना रहे हैं उसमें हम बात करते हैं यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स की अर्निंग इनकम की। तो कितने कमाई कर ले रही है अपने यूट्यूब चैनल से ये सोबिया रिंद जी की बहन सोबिया रिंद जी, इसी चीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सोबिया रिंद जी की आप चैनल का जो इंटरफेस है, डैशबोर्ड है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको उनके चैनल जितनी डिटेल्स हैं, जानकारी वगैरह जो होती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड डिटेल्स हों, चाहे कोई और डिटेल्स हो, वो आप देख सकते हैं। जैसे सोबिया रिंद जी के चैनल का नेम आप यहाँ पर देख सकेंगे, उनके चैनल का पर्सनल पिक्चर लाइक इंटरफेस जिसे हम लोग चैनल वॉलपेपर कहते हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको उनके चैनल का नेम, उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स, टोटल व्यूज़ और भी इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस वगैरह है, चाहे वो उनके टोटल व्यूज़ आपको देखने हो, टोटल सब्सक्राइबर्स देखने हो, और भी जो इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी वगैरह में, इन्फॉर्मेशन वगैरह में इंटरेस्ट है तो देख लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्निंग इनकम, जिस वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है या जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकेंगे, मैं यहाँ पर इनकी अर्निंग आपको दिखा देता, लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता दूं, तीन इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आपको जाननी ज़रूरी हैं क्योंकि आप किसी यूट्यूबर या क्रिएटर की अर्निंग इनकम जान रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो इनकम अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ वो एक वेबसाइट बेस्ड डाटा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि वेबसाइट बेस्ड डाटा है। दूसरी चीज़, जो इनकम अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ वो हर मंथ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्यों आती है, मैंने ये भी आपको बता रखा है, क्योंकि अर्निंग के जो व्यूज़ होते हैं, एड्स होते हैं, वॉच टाइम होता है या कोई और चीज़, ये बहुत इफेक्ट करती है अर्निंग को, पैसों को। सो ये चार पांच पॉइंट्स होते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा ये, जो थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट, वो ये कि जो इनकम अर्निंग मैं आपको बता दूं, वो जो मैं दिखाता हूँ वो प्रीवियस मंथ की है। तो पिछले महीने की जो मैं अर्निंग है इनकी सोबिया रिंद जी की, वही मैं आपको दिखा के बता रहा हूँ। तो ये सब तो तीन पॉइंट्स हो गए। अब बहरहाल बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, अब डायरेक्टली हम लोग इनकी इनकम अर्निंग हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी अर्निंग इनकम $148। तो लगभग $148 एक महीने के हिसाब से कमा ले रही हैं। बहरहाल मैं एक और बात आपको बता दूं कि दो महीने से वीडियोज़ नहीं डाल रही हैं, तो इसलिए इनकी अर्निंग और कम आपको देखने को मिल रही है, $148 देखने को मिल रही है, क्योंकि अर्निंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वीडियोज़ ही नहीं पड़ रही, और वीडियोज़ नहीं पड़ रहे तो कहाँ से पैसा आएगा। सो इसलिए दो महीने से पैसा नहीं आ रहा है, $148 फिर भी बन रहे हैं क्योंकि पहले के व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, तो $148 अभी बन रखा है। चलिए देख लेते हैं कितने होते हैं ये भारतीय रुपये पैसों में, इतने डॉलर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सादिया रिंद जी $148 कमा ले रही हैं, सोबिया रिंद जी, और $148 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इन रुपीज़ में। तो देखते हैं कितना होता है भारतीय रुपए पैसों में, लमसम 12,000 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए कमा ले रही हैं भारतीय रुपए पैसों में, इतनी इनकी अर्निंग हो जाती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।